हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपसे शेयर करूंगी ग्लैमरस ग्लोई मेकअप, जिसे आप कोई भी फेस्टिव में, कोई भी पार्टी में, कोई भी वेडिंग सेरेमनी में वेयर कर सकते हैं एंड जिसे आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेस को प्राइम कर लेना होगा। तो उससे भी पहले आपको फेस को मॉइस्चराइज करना है, देन प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर, एंड ये बहुत ही अच्छी प्राइमर है। इसे मैं पूरी फेस पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि ये ग्लोई मेकअप है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का ग्लो रिवोल्यूशन स्प्रे, जो एक प्राइमर की तरह भी काम करती है। इसे यूज़ करने से पहले शेक कर लेना होता है अच्छी तरह से, एंड इसकी 3-4 स्प्रे मैं पूरी फेस पर अप्लाई करूँगी एंड 2 मिनट तक वेट करूँगी। एंड आप देख सकते हैं फेस पर एक ग्लो आ गई है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का फाउंडेशन स्टिक, और मेरा शेड है F10। तो फ्रेंड्स, ये जो फाउंडेशन है फुल कवरेज देती है एंड बहुत ही अच्छी है। इसे मैं एक ब्यूटी स्पंज से अप्लाई कर लूँगी, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, एंड एज यू कैन सी फेस पर कितनी अच्छी कवरेज आई है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का लूज़ पाउडर। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी लूज़ पाउडर है, तो इसे मैं पूरी फेस पर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का आईब्रो पेंसिल, ये भी काफ़ी अच्छी एक आईब्रो पेंसिल है। पहले मैं आईब्रो को डिफाइन करूँगी, देन अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का कंसीलर, जिससे मैं आईब्रो को अच्छी तरह से रिफाइन करूँगी एंड पूरी आईलिड पर भी अप्लाई कर लूँगी। तो कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद उसे सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं अगेन कलर बार का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड कंसीलर को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। इसके बाद मैंने आईज़ पर अप्लाई कर लिया है सेलो टेप। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का ये रिवोल्यूशन लंडन पैलेट। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रांजिशन शेड के लिए जुपिटर दिस शेड। ये बहुत ही अच्छी एक कलर है, तो इसे मैं पूरी क्रीज एरिया पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ दिस शेड विच इज़ कॉल्ड कॉस्मिक। इसे मैं आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी, मैं थोड़ा डीपली अप्लाई करूँगी एंड इसे मैं क्रीज एरिया पर भी कुछ इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से अप्लाई कर लिया है। अभी मैं क्रीज़ को कट करूँगी, हाफ क्रीज़ कट करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन मेकअप रिवोल्यूशन का कंसीलर। इससे मैं एक एंगुलर ब्रश से अप्लाई कर लूँगी एंड इसे ब्लेंड भी कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसे पाउडर से सेट करना भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं अगेन कलर बार का लूज़ पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। एंड जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ दिस शेड विच इज़ कॉल्ड हार्प। तो ये एक ग्लिटरी गोल्डन शेड है। इसे मैं पहले ब्रश से अप्लाई करूँगी, देन मैं मेरी फिंगर से अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरह से। ओके, इसके बाद मैं थोड़ी सी ग्लिटर अप्लाई करूँगी मार्स की ग्लिटर पैलेट से। गोल्डन ग्लिटर अप्लाई करूँगी जहाँ पर मैंने हार्प शेड अप्लाई किया है, उसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम आई शेडो पैलेट से सेलेस्टियल शेड इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करूँगी। ओके, इसके बाद लोअर लैश लाइन पर मैं कॉस्मिक शेड को अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का आईलाइनर एंड थोड़ी लंबी विंग क्रिएट करूँगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्लैक मैजिक काजल, जो एक ग्लिटर काजल है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का ये ब्लश, जो काइंड ऑफ पर्पल शेड है, मतलब डीप पिंक शेड है। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेकअप रिवोल्यूशन का ये हाइलाइटर, जो बहुत ही अच्छी हाइलाइटर है। आप देख सकते हैं फेस पर कितनी ग्लो ला रही है, एंड क्योंकि ये ग्लोई ग्लैम मेकअप है तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का क्रेयॉन लिपस्टिक, एंड लास्टली मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का मस्कारा, क्योंकि मैं ये अप्लाई करना भूल गई थी। इसे मैं जस्ट लोअर लैशेस पर अप्लाई कर लूँगी एंड लास्टली मैं अगेन मेकअप रिवोल्यूशन का ग्लो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फेस पर एक्स्ट्रा ग्लो लाने के लिए, एंड 2 मिनट्स तक वेट करूँगी एंड इसी के साथ मेरी मेकअप भी कम्प्लीट होगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेकअप बहुत ही सिंपल है, लेट नाइट पार्टी के लिए,
फेस्टिव के लिए आप इस तरह के मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही ग्लोई मेकअप है ये एंड बहुत ही ईजी है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो में दिखाई गई सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन बाय लिंक भी मिल जाएंगे। एंड फॉर नाउ बाय।